कानपुर के किदवई नगर इलाके के मिशनरी स्कूल सेंट थॉमस में जय श्री राम का नारा लगाने पर छात्र को शिक्षक ने पीट दिया। शिक्षक पर आरोप है कि उसने क्लास में हिदायत देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी इस तरह जय श्री राम का नारा लगाया तो उसका भी यही हाल होगा। मामले की जानकारी पर अभिभावकों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई और स्कूल में हंगामा किया। इसके बाद प्रिंसिपल ने टीचर को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही पूरे मामले में जांच बैठाई है। मामले की बारीकियों को समझने के लिए देखिए साहस में संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। विद्यार्थी के द्वारा शिक्षा के मंदिर में जय श्री राम उसे बोलना इतना महंगा पड़ गया कि शिक्षक ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। जी हाँ, मामला कानपुर के एक मिशनरी स्कूल का है जहाँ पर एक विद्यार्थी द्वारा स्कूल में जय श्री राम बोलने पर शिक्षक द्वारा उसे जमकर पीटा गया और जब विद्यार्थी ने परिजनों को घर जाकर बताया उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने आकर जमकर विद्यालय के बाहर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची जहाँ मामले को शांत कराया गया और ऐसा बताया जा रहा है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा जो आरोपी शिक्षक है उसको निलंबित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा के मंदिर में जय श्री राम बोलने पर अगर शिक्षक द्वारा इस तरह की पिटाई की जाती है तो ऐसे लोगों को किस तरह की सजा कानून देता है। मेरा बच्चा स्कूल में सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ता है, तो 25 तारीख को बच्चे लंच ब्रेक में निकल रहे थे तो उसमें से कुछ बच्चों ने 1, 2, 3, 4 जय श्री राम ऐसे लगाया नारा, उसमें से मेरा बच्चा भी था। तो वहाँ पर जो शिक्षक थे चंदन कृष्टि नाम बताया गया, उन्होंने पकड़ा तो दो बच्चों को पकड़ा, इसको मेरे बेटे को और एक और उसी का सहपाठी क्लास 6th के बच्चे थे वो पकड़ा, वो पीटा तो बच्चों को ये नहीं समझ में आया, छोटे बच्चे हैं कि हम पीटे क्यों, तो उन्होंने सामान्यतः ऐसे पूछ लिया कि भाई सर क्यों मार रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसको एक बच्चे की टाई पकड़ कर और एक का गर्दन पकड़ कर घसीटते हुए स्टाफ सीढ़ियों से घसीटते हुए स्टाफ रूम ले गए, वहाँ भी जाकर तो शिक्षकों ने शायद कहा भी कि छोटे बच्चे ही छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये घर में या मंदिर में अपना ये बोले यहाँ पर नहीं बोले। तो मुझे थोड़ा सा मामला ऐसा लगा कि ये गंभीर विषय है, मैंने जाकर प्रबंधन से शिकायत की। शिकायत के समय भी शिक्षक वहाँ का स्टाफ और जो टीचर था वो इसी बात पर रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जब हमने थोड़ा सा प्रबंधन पर इस बात का दबाव किया कि भाई अभी तो हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि चलिए पीट दिया गया, मैं जय श्री राम वाले मुद्दे पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या पीटना अलाउड है? और पीटते हुए तो सैकड़ों बच्चों ने देखा होगा, जब मैं शिकायत करूँगा पुलिस में या बाल संरक्षण आयोग में तो वो लोग आकर पूछेंगे सब कुछ करेंगे, तो थोड़ा सा टीचर डरा कि ये पोल मेरी खुल जाएगी, तब उसने स्वीकार किया कि हाँ बच्चों को मैंने पीटा है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।